हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा धमाका कर सकता है, मतलब कि बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, आज मैं आपको क्वालिटी वाले बिजनेस बताऊंगा। क्वांटिटी वाले तो सब बताते हैं, क्वालिटी वाला बिजनेस बताऊंगा जो हिला के रख देगा शेयर मार्केट को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। इसी में दोस्तों आपको इस चैनल में एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रॉब्लम क्या होता है। अगर आप दोस्तों इसको समझ जाओगे ना, इसका डिफरेंस, तो आप करोड़पति अभी ही बन जाओगे। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, बस आपका मेंटालिटी थोड़ा चेंज करना। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। जो सारे लोग करते हैं जनरली क्या करते हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने रखा हूँ, क्या है दोस्तों, वो वोडाफोन आइडिया। ठीक है, अगर आपने, ठीक है, ऐसे स्टॉक को खरीदे हो, किसी से पूछोगे कि भाई आपके पास कितना है, तो बगल वाले बोलेगा भाई मेरे पास तो 10,000 है, और बगल वाले से पूछोगे तो वो तो बोलेगा कि मेरे पास 50,000 मैंने जो है क्वांटिटी खरीद के रखा है। भाई आपने क्या खरीदा, आपने क्वांटिटी खरीदा, क्या आपने क्वालिटी देखा? क्वालिटी का मतलब क्या होता है, वो बिजनेस जिनके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए और वो कंपनी जो है इफिशेंटली जो है ग्रो होना चाहिए दोस्तों। ऐसी कंपनी अगर किसी से जाके पूछो कि भाई आपके पास क्या इन्फो एज नाम की कंपनी है, का उस कंपनी का एक भी शेयर है, बोलेंगे भाई ये कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, मुझे तो नहीं पता। तो ये क्या होता है दोस्तों, क्वालिटी, क्वालिटी वो बिजनेस होता है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, हालांकि अगर वो कितना भी गिर जाए दोस्तों, एक दिन में या दो दिन में, लेकिन तीसरे दिन वो इतना बड़ा बाउंस बैक मारेगा ना, जो पहला और दूसरा दिन दोनों को रिकवर कर देगा और अच्छा आपको प्रॉफिट भी दे देगा। तो भले ही आपने 10,000 क्वांटिटी की जगह आपने 10 क्वांटिटी खरीदा है, लेकिन क्या खरीदना है, क्वालिटी खरीदना है, क्वांटिटी नहीं खरीदना है। ठीक है, क्वालिटी खरीदो। अगर कल के डेट में थोड़ा बहुत प्राइस डिक्रीज भी होता है तो दोस्तों वो सब रिकवर हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रॉफिट भी दे देगा। तो वैसा ही बिजनेस आपके सामने आज लाया हूँ दोस्तों, उसका नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, सफारी इंडिया। ठीक है दोस्तों, सफारी इंडिया अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है 654 रुपीज़ है। ठीक है, आपको क्या करना है, बिना बोले तो आप समझ गए होंगे क्या करना है दोस्तों, इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो आपको खरीदना है। थोड़ा बहुत नहीं खरीदना, दम भर जम के जो भी खरीदना है दोस्तों खरीदना है। ठीक है, आपको खरीदना है, एक तो कंपलसरी खरीद लेना भाई, दो तो खरीद लो, आपको, आप ही को प्रॉफिट मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, दो क्वांटिटी खरीद लो, ठीक है, उतना ही बहुत है। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये जो कंपनी है, ठीक है, सफारी जो कंपनी है, किस चीज़ में जो है इंगेज है, तो दोस्तों ये जो कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये लगेज होते हैं ना, लगेज, तो वो सब बैग बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े जो सूटकेस होते हैं वो सब बनाते हैं। कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी है, अभी न्यूली जो है यहाँ पर इनको ऐसे कंपनी आई है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना हूँ दोस्तों, खरीदने से पहले मैं आपको बता देना हूँ, अगर आप खरीद रहे हो ना कंपनी को, तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना भाई, शॉर्ट टर्म के लिए मत खरीदना, ना ही इंट्राडे के लिए खरीदना, फ्यूचर ऑप्शन के लिए मत खरीदना। अगर कल को थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है 150 स्टॉप, तो बोलोगे कि भाई ये चैनल फ्रॉड है, जो भी आपको लगता है, तो ऐसे पैसा नहीं बनता। ठीक है, आप कंपनी को जितना लंबा टाइम दोगे उतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करके वो आपको रिटर्न देगा, बात सिंपल है दोस्तों। ठीक है, आप कंपनी को जितना टाइम दोगे वो उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करके आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबे समय के लिए होल्ड करना। ठीक है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मत कीजिए। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोस्तों ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप में इंगेज है। ठीक है, स्मॉल कैप दोस्तों, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कंपनी लार्ज कैप हो जाए, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। ठीक है भाई, आजकल में कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर देख लेते हैं 1 ईयर का ये जो रिटर्न है दोस्तों, 15% दिया है, 16% है। ठीक है, मान लेते हैं 15 जो भी है, लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, कंपनी न्यूली है, यहाँ पर देख सकते हैं नई कंपनी है, और उसके बाद आपको 15% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, और 1 मंथ में भी देखिए औकात के हिसाब से अच्छा रिटर्न दिया। औकात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बैंक में अगर हम FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो हमें कितना रिटर्न मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 6 या 7% मिल सकता है आजकल, मुझे नहीं लगता उससे भी ज़्यादा कुछ बैंक जो रिटर्न देते हैं शायद। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई 6% के आसपास देते हैं, मान लेते हैं 10%, लेकिन दोस्तों अगर ये 1 महीने के अंदर आपको 5% देता है तो क्या चाहिए, अच्छी बात है ना। हिसाब से अगर देखो, कैलकुलेशन अगर करोगे तो अच्छा जो है रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी को आपको रखना चाहिए दोस्तों अपने। अब देख लेते हैं कंपनी में हम एंट्री मार सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी में यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पॉजिटिव है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरवॉट जोन। ठीक है, तो स्टॉक जो है वो ज़्यादा ओवरवॉट जोन में नहीं है, मतलब कि दोस्तों ओवर वैल्यूड में भी नहीं है अगर एक हिसाब से देखो तो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में आप थोड़ा बहुत तो एंट्री ले ही सकते हो।
वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप लाइक करते हो ना तो बहुत ज़्यादा जो है इंकरेजमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो जो है बनाने का हिम्मत मिलता है, क्योंकि नहीं और अच्छा लगता है उसी तरह। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का जो है लिंक दिया गया है, उसमें दोस्तों आपको बताया गया है कि आपको अपने लाइफ में कैसे चेंजेस लाना है और क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, आपको मतलब कैसे बेटर बनाना है और किस चीज़ को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो अगर उस चैनल में जाके आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप हमारे ही चैनल के हो, ठीक है, वो भी हमारा ही चैनल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक दिया गया है, लेट मत कीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जितना भी स्टॉक बताता हूँ हमारे तरफ से, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, उसके बाद अच्छा भी लगता है, ठीक है, आपको बताते हुए। तो अब देख लेते हैं दोस्तों प्रमोटर का होल्डिंग। ठीक है, हम अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रमोटर का होल्डिंग। प्रमोटर्स के होल्डिंग में देखना चाहिए दोस्तों मोर देन 50% किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हो तो रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रमोटर जितना ज़्यादा इंगेज रहेंगे, जितना ज़्यादा इंगेज रहेंगे कंपनी में, वो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। क्यों? स्टॉक का प्राइस ज्यादा वो गिरने नहीं देंगे। क्यों? मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस ज्यादा गिरना स्टार्ट हो गया तो प्रमोटर को भी बहुत ज्यादा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जिससे कंपनी का प्राइस नीचे डिक्रीज हो जाए। अब जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं यस बैंक। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेवरेट बैंक है और पॉपुलर बैंक भी है येस बैंक। तो येस बैंक में क्या हुआ दोस्तों, सारे जितने भी प्रमोटर्स का होल्डिंग थे, स्टेक थे, क्या किया दोस्तों, उन्होंने सेल कर रहे थे। अब बैंक को मतलब कुछ था ही नहीं किसी के पास, सब अपना अपना जो है अपना अपना बेच बेच के निकल जा रहे थे, लेकिन किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं था। ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ खत्म हो रहा। अब क्या हुआ, जैसे ही दोस्तों उसका स्टेक को सेल किया जा रहा था, उसका प्राइस गिरते जाता था। अब DHFL ही ले लो दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, उसमें भी वैसा ही है। लेकिन ऐसे कंपनी में हमें निवेश नहीं करना चाहिए जहाँ पर प्रमोटर्स के होल्डिंग को घटाया जाता है, बढ़ाया नहीं जाता, डिक्रीज नहीं करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर देख सकते हो दोस्तों, अभी अभी यहां पर आपको बताया जा रहा है कि यहां पर देख सकते हो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है अपना होल्डिंग को 6% से इंक्रीज कर दिया। यहां पर देखिए आपके सामने बताया जा रहा है दोस्तों 3 मंथ में, यहां देख सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है दोस्तों यहां पर 6% से अपना होल्डिंग को इंक्रीज कर दिए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर लॉस ना हो, तो ऐसी कंपनी जो क्वालिटी वाला बिजनेस होता है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देख लो दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, प्रमोटर्स के पास तो भाई मोर देन 50% है, चलिए ये भी अच्छी बात है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बैग से रिलेटेड है कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पर और भी ऐसे कंपनी है जो बैग से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, पेज इंडस्ट्री, यहाँ पर देखिए VIP इंडस्ट्री, ये भी जो है लगेज में इंक्लूड है दोस्तों, उसमें इन केस है। तो देखिए ये भी आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं लक्स इंडस्ट्री में 37% का। उसी तरह और भी कंपनी है, यहाँ पर देख लीजिए इसमें जितने भी है, तो ये एक कंपनी है जिसमें आपको 14% का जो है नेगेटिव रिटर्न दिया गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये कंपनी यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है जो इससे रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड कंपनी में इतना अच्छा कंपनी है जो यहाँ पर देख सकते हो। हो सकता है कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ऐसी कंपनी के बारे में भी मैं आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जो नया चैनल है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। एक उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, और इससे भी अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी, मतलब कि दोस्तों ऐसी कंपनी में पैसा डालो जहां पर नुकसान नहीं प्रॉफिट होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो तो आपको भूलना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं क्वालिटी का, क्वालिटी मतलब क्वालिटी का बाप, मतलब सोच रहे हो ना क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी वाले में बिजनेस का जो है ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो भूल मत जाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बस एक लाइक कर दोगे तो वही बहुत है, और डिस्क्रिप्शन में जो चैनल है उसका सब्सक्राइब कर दोगे वही बहुत है। ठीक है, तो वो क्वालिटी का, क्वालिटी वाला बिजनेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ये जो व्हाट्सएप का परमानेंट नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, उसके बाद ये जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा, और नेक्स्ट वीडियो वैसे भी आपको मिस नहीं करना, बस लास्ट वाला नेक्स्ट वीडियो। मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, मैंने कभी ये नहीं बोलता, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपको नेक्स्ट वीडियो देखना जरूरी है, या ये है वो है, मैं कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और आज संडे है, तो कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाए जिससे अच्छा भी लगेगा।